वैष्णव जन तो तैने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान ना आने रे। ये पंक्ति आज विश्व के कोने कोने तक पहुंच गई है और यह गुजराती भाषा का बेनुमान साहित्य की एक झलक आप तक पहुंचाती है। गुजराती साहित्य क्या है, कितनी व्यापक है इसकी परिधि, क्या कच्छ से साबरमती तक गुजराती का एक ही स्वरूप है, इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दीपक मेहता जो कि लेखक अनुवादक है, दिलीप झवेरी जो कि कवि अनुवादक नाट्यकार संपादक और पेशे से डॉक्टर है, ऐशा दादावाला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता है। इन तीनों का मैं साहित्य आज तक के मंच पे स्वागत करती हूँ। सर दीपक भाई, मेरा पहला सवाल, एक्चुअली गुजराती में जब भी किसी से बात करते हैं तो भाई कहना बनता है और पहले शुरुआत हम दीपक भाई से करेंगे। दीपक भाई, कच्छ से साबरमती गुजराती साहित्य क्या कहेंगे आप? गोपी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने शुरू में जो पंक्ति कही, वैष्णव जन तो तेनेरे कही है, वो गुजराती भाषा के आदि कवि का मान हम जिसको देते हैं वो नरसिंह मेहता की पंक्ति है और ये पूरा उनका भक्ति काव्य भक्ति गीत गांधी जी को बहुत ही प्रिय था, उनकी प्रार्थना सभाओं में रोज गाया जाता था और गांधी जी की वजह से ही ये पंक्ति, ये गीत और उस गीत के माध्यम से गुजराती भाषा देश के कोने कोने तक ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंची है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजराती भाषा जो है वो गांधी जी की मातृभाषा है। गांधी जी ने अपनी जीवनी जो लिखी वो गुजराती में लिखी थी, बाद में कई भाषाओं में उसके अनुवाद हुए, भारत की भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में। और मैं ये कह सकता हूँ कि गांधी जी की जीवनी के जितने अनुवाद हुए हैं आज तक, उतने अनुवाद गुजराती भाषा के दूसरी कोई पुस्तक के नहीं हुए हैं। और मैं कुछ ऐसी व्यक्तियों को भी जानता हूँ जिन्होंने गुजराती भाषा सीखी है सिर्फ एक मकसद से कि वो गांधी जी की जीवनी उसके मूल रूप में पढ़ सके। तो ये बात गुजराती भाषा और उसके साहित्य के लिए मैं पहले कहना चाहता हूँ। हाँ सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ दिलीप जी कि जिस तरीके से आप पेशे से एक डॉक्टर रहे हैं, साथ ही साहित्य के साथ अपने जीवन को लेकर चले हैं, आपका जो पुस्तक है खंडित कांड और उसके बाद बाबरी के जो दंगे हुए थे उसके, उसने आपको काफी व्यथित किया था, क्या साहित्यकार वहीं से पैदा हुआ? नहीं, मैं डॉक्टर इसलिए हूं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है और कविता जो है मेरे जिंदा रहने का कोई अर्थ कोई मतलब देती है। मैं एक कविता की बात बताता हूं। जलती शमा को बुझाकर कोई बाहर ठहरे अंधेरे को कहे आजा भीतर, यहां डरने जैसा कुछ नहीं है। कविता ऐसे बुलाती है, तेरा सब कुछ छोड़कर आजा, यहां खोने जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, कुछ भी खोया हुआ ढूंढते मिल जाए उसे कविता नहीं कहते हैं, लेकिन किसी भी खोए हुए को जो मिले वो कविता होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। ईशा, आपसे ये एक मेरा सवाल है क्योंकि 16 साल की उम्र में ही आपने लिखना शुरू किया था और आपका पहला था डेथ सर्टिफिकेट। हालांकि 16 साल की बाली उम्र को सलाम किया जाता है, लोग प्यार की बातें करते हैं और आपने डेथ सर्टिफिकेट पे अपनी कविता लिख दी थी। डेथ सर्टिफिकेट मेरी एक सहेली थी जिसने
दसवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करी। तो मेरे अंदर दो ईशा रहती है। पहली ईशा ने जब ये लड़की का डेथ सर्टिफिकेट देखा तब सवाल किया कि क्या है ये, डेथ सर्टिफिकेट ही तो है। पर दूसरी ईशा ने कहा कि नहीं, ये कोई मामूली डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक बेटी का डेथ सर्टिफिकेट है। पहली ईशा ने बोला कि ठीक है, क्या है, कितनी बेटियां हर रोज मरती है। पर दूसरी ईशा ने कहा कि नहीं, ये एक बाप की बेटी मरी हुई है। और फिर मैंने लिखा कि जब कोई एक पिता के हाथ में अपनी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट आता है तो वो क्या महसूस करता है। फिर मैंने, ये मेरी पहली कविता थी डेथ सर्टिफिकेट, और फिर मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। बिल्कुल ईशा, लेकिन आपकी जो डेथ सर्टिफिकेट आई उसके बाद बहुत सारी कविताएं आपने लिखी। आपकी एक कविता है, आमतौर पर हमारा देश जहाँ पे लोग स्त्रियों के बारे में बात करने से, और स्त्रियों के कुछ ऐसे प्रश्न है चाहे वो पीरियड्स की बात हो या किसी और की, लोग टेबल टॉक करना नहीं चाहते, उसी पे आपने कविताएं लिखी है। क्या आप अपनी कविताओं से एक रिवॉल्यूशन लाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है? मुझे कविता से रिवॉल्यूशन नहीं लाना है, पर मैं जो फील करती हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस मुझे होता है, मैं वही एक्सपीरियंस को शब्द में लाकर कविता में लिखती हूँ। अगर आपकी परमिशन होगी तो मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी। वो कविता का शीर्षक है कुकर। जैसे हर स्त्री कुकर का उपयोग करती है, मैंने कुकर को अपनी कविता में एक अलग एंगल दिया कि उसे कुकर बहुत पसंद था, उसे कुकर बहुत पसंद था। भीतर की पूरी वाष्प सीटी के जरिए कुकर बाहर निकाल सकता था। उसके खुद के पास सीटी जैसी कोई व्यवस्था थी नहीं, इसीलिए उसे कुकर की बहुत जलन होती थी। सीटी कुकर की बचती पर उसे लगता कि उसके अंदर की वाष्प बाहर निकल रही है। गैस की लौ बड़ी से छोटी हो सकती थी, इसलिए वो कुकर को बहुत नसीबदार मानती थी। कई बार छाती जाम हो जाती तब वो कुकर की सीटी को मुंह पर रखकर देख लेती। सीटी तो बचती नहीं पर अंदर की वाष्प आंखों तक चौकस आ जाती। एक बार गैस पर रखा कुकर फटा तब उसका हाथ जल गया था। उसने पानी में हाथ डुबोया तब फटे हुए कुकर की थोड़ी वाष्प हाथ से और थोड़ी आंख से बाहर निकली थी। कल रात बेडरूम की दीवार ड्राइंग रूम तक लंबी हो गई तब उन्होंने कह दिया कि अगले जन्म में पत्नी के तौर पर तुम तो नहीं। बस दूसरे दिन सवेरे सवेरे कुकर की तरह वह भी गैस पर चढ़ गई। अब अगले जन्म में उसको कुकर बनना है। बहुत खूब ईशा, स्त्री की वेदना को आपने बहुत बखूबी अपने शब्दों में उतारा है। सर, आप पेशे से खुद एक ट्रांसलेटर है, खुद करंट टॉपिक्स पे लिखते हैं, तो गुजराती साहित्य को कहाँ देखते हैं आज के युवाओं में गुजराती साहित्य कहाँ पर है? क्योंकि आपकी जो कॉलम आती है चलमन मुंबई नगरी, ये भी कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करनी पड़ती है पास्ट से प्रेजेंट तक, तो उसे आप कहाँ देखते हैं? गोपी जी, बहुत फ्रेंकली बात करें तो आज की जो गुजरात की युवा पीढ़ी है उसका गुजराती साहित्य से नहीं सा वास्ता है, और विधाओं में उनकी दिलचस्पी है, जैसे संगीत में है, फिल्म में है, नाटक में है। लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो युवा पीढ़ी उसके साथ कनेक्ट
नहीं कर पा सकती है, और इसके लिए मैं सिर्फ युवा पीढ़ी को दोष नहीं दे सकता। हमारे साहित्य का, हमारे साहित्यकारों का भी एक ये रुख रहा है कि वो अपनी बातों में ही मगन है, उन्हें युवा पीढ़ी के साथ कैसे जुड़ सकें, जुड़ने के लिए क्या करें, उसके लिए वो कोई ज्यादा विचार या परिश्रम नहीं करते। तो ये अभी परस्पर का हुआ है कि एक ओर से लेखक वो युवा पीढ़ी को ऑलमोस्ट अनदेखी करके चलता है, और दूसरी तरफ युवा पीढ़ी भी लेखक और साहित्य के बारे में यही करती है। जवेरी सर, ये बताइए कि आम तौर पर हमने देखा है, चाहे जब जब इंसान भीड़ बन जाता है तो भेड़िया बन जाता है। आपकी कई सारी ऐसी आपका लेखन है जिसमें आपने भीड़ के बारे में बात की है, या जो इंसानियत को मार देता है, जब भी इंसान की इंसानियत मर जाती है उसके बारे में आपने जिक्र किया है अपने साहित्य में, उसे आप किस तरीके से आज के वक्त को देखते हैं? क्योंकि आज हम देखते हैं कि मॉब लिंचिंग होती है या कई सारी ऐसी चीजें हो रही है जो इंसानियत को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाती है, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। तो वैसे में आपका जो साहित्य है वो उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से एलिब्रेट करता है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? ये समय समय जैसे बदलते रहता है, वैसे इंसान के मूल्य जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन कविता मूल्य से पर है। और मैं चाहता हूं एक छोटी सी रचना कच्छ के एक मित्र की मैं आपको सुनाऊं, और समय से कैसे दूर दूर जा सकते हैं। रमणीक सोमेश्वर की ये कविता है जो कच्छ के वतनी है। गले में प्यास, बदन में आग, तालू में घुमराती उलझन, जहां पूरी भाषा धुंधली, एक भी अक्षर न आए सामने, और मैं कागज के खाली कुएं में दूर भीतर झांकता रहूं, कूद पड़ूं, भटक भटक आखिर तल तक पहुंचूं, ले आऊं एक अंगारा, लौटकर शोला किनारे पर रख दूं, और मेरी सुनसान गुफा में अक्षर का प्रकाश फैले। क्या बात है। अब इस कविता में आप जरा सा सोचेंगे तो एक ही साथ में प्रोमेथियस, लूसिफर, डेकलॉन, इन सब के संदर्भ आ जाते हैं। उसका मतलब ये कि कवि जो है वो अपने अतीत के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने समग्र संस्कार की, समग्र विश्व के साथ संबंध जोड़ता है एक अक्षर से। और ये बात जो है वो सच्चा कवि करते रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरी कविता पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। भवभूति ने तो कहा ही था कि ये विपुला च पृथ्वी निरवधि च कालो, तो कब न कब कोई न कोई मेरा उत्तर रामचरित जरूर पढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा गुजराती में एक कहवत है कि ज्या न पहुंचे रवि त्या पहुंचे कवि, यानी जहां पे सूरज नहीं पहुंच सकता है वहां पे कवि पहुंच जाता है। तो गुजराती साहित्य को क्या लगता है कि कोई मंच नहीं मिलता है? क्योंकि गुजराती साहित्य अक्सर गुजरात में भी लोग उसे अनदेखी करते हैं, या गुजराती साहित्य को आज की युवा पीढ़ी के सामने गुजराती साहित्य की अगर बात करते हैं तो उनको
इंग्लिश गाने याद आते हैं, उनको गुजराती साहित्य झवेरचंद मेघानी का गाना याद नहीं आएगा। सबसे पहली बात कि गुजराती साहित्य को मंच नहीं मिलता है। अगर मंच नहीं मिलता तो हम साहित्य आज तक में गुजराती भाषा होती ही नहीं। बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, ट्विटर से जुड़ी हुई है, व्हाट्सएप पर कविताएं पढ़ती है, व्हाट्सएप पर न्यूज पढ़ती है, न्यूज़पेपर व्हाट्सएप पर पढ़ती है। तब मैं मानती हूँ कि झवेरचंद मेघानी की कविताएं युवा पीढ़ी के पास पहुँचाने का जरिया हमें बदलना चाहिए। हमने वो जरिया बदला ही नहीं, हम उसी पुराने तरीकों से युवा पीढ़ी को झवेरचंद मेघानी बोल रहे कि आप उनको पढ़ो, आप कन्हैयालाल मुंशी को पढ़ो, पर वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप की बीप में इंटरेस्ट है, उन्हें व्हाट्सएप की ब्लू टिक में इंटरेस्ट है। अगर झवेरचंद मेघानी को हम उसी अंदाज में उनकी तरफ रखेंगे तो वो बिल्कुल पढ़ेंगे। और मैं मानती हूँ कि गुजराती साहित्य कभी मरा नहीं है, कभी लोगों तक पहुंचा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग गलत तो गलत कविताएं लिखते ही है, पर उन्हें ठीक करने की जरूरत है। लेकिन गुजराती भाषा अब लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं, या अपने बच्चों को पढ़ाना है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, या अपनी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी या फिर गुजराती जो कि उनकी स्थानीय भाषा है वहां से थोड़े दूर हो रहे हैं। वो होंगे ही, आज का जो समय जिस तरह से बदलता जा रहा है, मुझे लगता है कि जब एक भाषा को मरने में बहुत वक्त लगता है, ऐसे ही भाषा खत्म नहीं हो जाती है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, गुजराती स्कूल बंद हो रही है, पर उसके सामने आप देखो सोशल मीडिया पे गुजराती में लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। साहित्य एक सेलिब्रिटी सा फील देता है, ऐसे समझने वाले कई युवा लिखते हैं, अपनी बुक्स करते हैं। तो मैं नहीं मानती हूँ कि इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने की वजह से गुजराती भाषा लुप्त हो जाएगी। दीपक भाई, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि गुजरात की बात आती है तो लोगों को फाफला, ढोकला, थेपला ये सारी चीजें तो याद आ जाती है, लेकिन जब गुजराती साहित्य की बात आती है तो लोगों को इक्का दुक्का नाम मुश्किल से याद रहता है। आपने जो कहा वो काफी हद तक सही है, लेकिन उसकी वजह मैं अभी ईशा ने जो बात कही उससे जोड़कर थोड़ा बोलना चाहूँगा कि अब भाषा को, साहित्य को लोगों तक ले जाने के लिए सिर्फ प्रिंट मीडिया पर आधार रखना ये नहीं होगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी आदत छूट गई है या छूट रही है किताबें पढ़ने की या समाचार पत्र पढ़ने की या पत्रिकाएं पढ़ने की, लेकिन वही पीढ़ी जैसे इन्होंने कहा वो व्हाट्सएप पर वही पढ़ती है, वो ब्लॉग्स पढ़ती है, वो इंटरनेट पर अलग अलग साइट पर जाकर पढ़ती है, लिखती भी है, और ई बुक्स भी अगर उसके हाथ में देते हैं तो वो पढ़ने को राजी है। तो हमें भाषा और साहित्य को लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, मीडियम है, वो अब बदलना पड़ेगा। जैसे पहले आज से 250 साल पहले छपी हुई किताबें थी ही नहीं, वृत्तपत्र वर्तमान पत्र थे ही नहीं, सब हस्तप्रतों से चलता था और जबानी चलता था। उसमें परिवर्तन आया और मुद्रण आया, प्रिंटिंग हमारे यहाँ आया, और प्रिंटिंग के माध्यम को हमने अपना लिया साहित्य और भाषा के विस्तार के लिए। ठीक उसी तरह आज ये जो नई नई विधाएं हमारे सामने आई है वो सब विधाओं का उपयोग साहित्य को, भाषा को लोगों तक पहुंचाने के लिए करना
आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जवेरी सर, आपकी बहुत सारी कविताएं ऐसी है जो कई देशों की भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, अगर उनमें से ही किसी एक कविता का जिक्र करना है और जो कविता आपके दिल के बेहद करीब है तो आप किसे कहेंगे? बहुत सारी कविताएं हुई है, लेकिन आपका पहला जो सवाल था इनके साथ मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ कि गुजराती लोगों को ही जब बात आती है तो फाफड़ा, खमन ढोकड़ा, गांठिया जीभ का विषय है, शब्द भी जो है वो जीभ का विषय है, ये जिह्वा। तो भाषा जो है वो बदलती रहती है, मेरी भाषा, मेरी कविता के अनुवाद अन्य भाषाओं में होते हैं। तो आप ये सुनिए, क्योंकि कच्छ से साबरमती तक की बात थी तो साबरमती के गांधी जी के लिए मेरे मित्र गैब्रियल रोजेनस्टॉक जो आयरिश में लिखते हैं उन्होंने कुछ हाइकू लिखे थे, योर शेडो रेस बट यू वॉक ऑन डिटरमिंड, स्ट्रे बर्ड्स कम एंड लिसन टू हिज थॉट्स, साइलेंस। गांधी जी के लिए ही है सब। कोल्डर देन ऑल द प्रिजन्स ही हैज बीन थ्रोन इनटू डाउनिंग स्ट्रीट रेलिंग्स। जब गांधी जी गए थे लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तब जिस रीत से उनका स्वागत हुआ तो लोगों में और सत्ताओं में जो फर्क दिखता था। तो भाषा जो है वो किसी सत्ता को नहीं मानती, भाषा सत्ता से परे है। और इसलिए ही तो पहली कविता में मैंने जब कहा यहां डरने जैसा कुछ नहीं है, भाषा कभी भी डरती नहीं है, भाषा जो है वो खुली है, भाषा है वो खेत है, भाषा है वो आसमान है, खुली है हवाएं आती है, खेत है जो भी वो उग के आता है, आसमान सितारों से भरा हुआ है। तो इस रीत से एक भाषा दूसरी भाषा के साथ मिलजुल के पूरा आसमान बनाती है, पूरा खेत बनाती है, पूरा आपका घर बनाती है। बिल्कुल ईशा, महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें आपने लिखी है और खास करके महिलाओं और बच्ची की अगर बात करी जाए, कि जो मुझे आपकी सबसे ज्यादा कविता पसंद आई थी जो आपने बेटी के लिए लिखी है, अगर वो आप हमें सुनाती है तो। हमारे मैंने डेथ सर्टिफिकेट के बारे में बात करी जो मेरी पहली कविता थी। डेथ सर्टिफिकेट के बाद एक जो मेरी दूसरी कविता थी, हमारे सबके यहाँ पे शादी के बाद पगफेरा का रिवाज होता है, तो मेरी ये कविता का शीर्षक है पगफेरा। बेटी को अग्निदाह दिया तब ईश्वर को दो हाथ जोड़कर कहा था, ससुराल भेज रहा हूँ उसी तरह मेरी बेटी को विदा कर रहा हूँ, ध्यान तो रखोगे ना उसका। उसके बाद ही मुझ में अग्निदाह देने की ताकत आई, लगा कि ईश्वर ने मुझे अपना समधी बना लिया। अग्निदाह देकर घर वापस आया तब पत्नी ने आंगन में पानी रखा था, नहा लेना था बेटी के नाम का। बिना बेटी का घर आज 10 दिन का हुआ। पत्नी की बार बार छलकती आंखें बेटी के ड्रेसिंग टेबल और बिल्कुल व्यवस्थित पड़े उसके वार्डरोब पर घूमती है। मैं भी वहां देखता हूँ और एक आह निकल आती है,
कि हे ईश्वर, बेटी सौंपने से पहले मुझे तुम्हारे बारे में तपास करनी चाहिए थी। कन्या पक्ष के रिवाजों का तुम्हें मान रखना चाहिए। 10 दिन हो गए और हमारे यहाँ पग फेरा का रिवाज है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सारी चीजों को इसमें आपने जोड़ दिया है। सर, आपकी जो कॉलम आती है चलमन मुंबई, उसकी अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको युवाओं के साथ कनेक्ट कर देती है, और खास करके आज के गुजराती साहित्य को उन युवाओं से कनेक्ट करके कैसे आप उसे देखते हैं? देखिए गोपी जी, इसमें करना ये होता है, मेरी अपनी जो रुचि है ज्यादा वो 19th century की गुजराती भाषा और साहित्य में है, लेकिन मैं उसके बारे में लिखूंगा तो वर्तमान पत्र का जो मेरा पाठक है उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मैं बात तब की करता हूं, लेकिन उसको आज की कोई ना कोई बात के साथ जोड़ देता हूं। जैसे कल ही मेरा जो ये स्तंभ में लेख आया उसमें मैंने बात की है 1857 में गुजराती में, 1857 में गुजराती में महिलाओं के लिए सबसे पहली मासिक पत्रिका निकली, जो केवल गुजराती की नहीं भारत की सभी भाषाओं में सबसे पहली महिलाओं के लिए जो पत्रिका आती है उसमें थी। और आप गौर कीजिए कि उस जमाने में 1857 में पूरे देश में महिलाओं की साक्षरता का प्रमाण 1% से ज्यादा नहीं था। ऐसी हालत में महिलाओं के लिए मासिक पत्रिका शुरू करना, और कम से कम 90 साल तक वो पत्रिका चली है, कब उसका अंत हुआ मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन 1950 तक के अंक मैंने देखे हैं। फिर उस बात को मैंने जोड़ा है इस तरह से कि ऐसे वक्त में हमारी भाषा महिलाओं की मासिक को चला सकी। आज साक्षरता बहुत बड़ी है, हमारे पास साधन बहुत नए नए आए हैं, मुद्रण में भी बहुत ज्यादा हमने प्रगति की है, लेकिन आज हमारे पास महिलाओं के लिए कितनी पत्रिकाएं हैं और जो है वो कैसी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो बात को, जो पहले की बात है उसको आज के साथ जोड़कर अगर रखी जाए तो मेरा जो दैनिक का पाठक है उसको उसमें कुछ पढ़ने लायक लगना संभव है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो पढ़ेगा ही, शायद नहीं भी पढ़ेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ा संभव है। बिल्कुल, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, ईशा महिलाओं की बहुत सारा साहित्य आपने लिखा है, तो माँ पे लिखा हुआ जो आपका साहित्य है, मैं उसकी कविता बस उसी से हम अपने इस पूरे सेशन को कंप्लीट करते हैं। माँ की कविता मैं अभी लाई नहीं हूँ, मैं एक और कविता आपको सुनाती हूँ, पर मुझे दीपक भाई की बात को एक आगे ले जाना है। जब हम हमेशा हम कंप्लेन करते हैं कि युवा पीढ़ी पढ़ती नहीं है, युवा पीढ़ी भाषा से दूर हो जाती है, पर जब हम अभी भी ऐसा लिखेंगे कि ट्रिन ट्रिन टेलीफोन की घंटी बजी तो युवा पीढ़ी नहीं पढ़ेगी, उसको आपको व्हाट्सएप की ब्लू टिक देनी ही पड़ेगी, तभी वो पड़ेगी। अगर आप ऐसा लिखते हो कि ट्रिन ट्रिन टेलीफोन की घंटी बजी तो आपको फरियाद करने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहले आप ऐसा युवा पीढ़ी को समझ में आए ऐसा लिखिए तो सही, फिर आप बोलिए कि वो नहीं पढ़ रही है। मेरी कविता डेथ सर्टिफिकेट की बात से आपने शुरुआत करी तो मैं वही कविता आपको सुनाना चाहूंगी कि प्रिय बिटिया, तुम्हें याद होगा जब तुम छोटी थी तब ताश खेलते समय तुम हमेशा जीत जाती थी और मैं हमेशा हार जाता था, कई बार जानबूझकर भी।
जब तुम किसी प्रतियोगिता में जाती, अपने तमाम शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स लाकर मेरे हाथों में रख देती थी। तब मुझे तुम्हारे पिता होने का बहुत गर्व होता था। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे सुखी बाप हूं। तुम्हें अगर कोई दुख होता था, कोई तकलीफ होती थी, तो एक पिता के नाते तुम आकर मुझे ही बताती थी। पर उस दिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। अपने पिता को इतनी बुरी तरह से हरा कर कभी जीता जा सकता है? तुम्हारे सारे शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं। पर उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट मुझे ही संभाल कर रखना होगा। क्या बात है।